पावर थ्रू एसी सर्किट, हेडिंग डालिए पावर थ्रू एसी सर्किट, पावर थ्रू एसी सर्किट। देखिए लास्ट सेशन में हम क्या पढ़े थे बच्चे, लास्ट सेशन में हमने ईएमएफ पढ़ा था। बताइए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? अगर किसी भी सर्किट में आपको ईएमएफ दिया जाए तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी कितनी होती है बताओ बेटा? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या फॉर्मूला होता है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई क्या डिनोट कर रहा है? ई और आई में फेज डिफरेंस। अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट सिर्फ एक रेजिस्टर में पास हो रहा है तो रेजिस्टर में तो फेज डिफरेंस कितना होगा? रेजिस्टर में फेज डिफरेंस होगा जीरो। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता है, वहां फाई नहीं आता है। लेकिन अगर एसी रेजिस्टर के बजाय किसी और सर्किट में फ्लो हो रहा होगा, जैसे कि इंडक्टर में, कैपेसिटर में, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, तो ईएमएफ और करंट में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आएगा, जिस फेज डिफरेंस को हम इससे डिनोट करते हैं। तो अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमने रेजिस्टर से पास किया, इंडक्टर से पास किया, कैपेसिटर से पास किया, तो उससे पास होने पर ई का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, आई का फॉर्मूला पढ़ लिया, अब हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं पार का। पार का जनरली फॉर्मूला क्या होता है बताइए? श्यामल, पलक, नैना, शिवांगी और अर्सला। ओके, लिखिए बेटा विष्णु। यहाँ पे पार का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? पार का फॉर्मूला होता है वी आई, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज को V से तो डिनोट कर नहीं रहे हैं, V को किससे डिनोट कर रहे हैं? वोल्टेज की जगह हम लिखेंगे E और करंट की जगह लिखेंगे I। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दे रखी है कि किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट को किसी भी सर्किट में फ्लो करा रहे हैं, तो E और I की कितनी है, तो इंस्टेंटेनियस पार की क्या होगी, पहले वो निकालेंगे, फिर एक कंप्लीट साइकिल में क्या होगी वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम पहले डालते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अभी पहले हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हैं कि पार की क्या होगी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है हमारी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अच्छा चलिए इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, ये हो गया ई नॉट, और आई नॉट भी इधर ले लेते हैं, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला लगेगा है? क्या लगेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इस ब्रैकेट को और खोल दीजिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमने लगा दिया, और ब्रैकेट अगर खोलें तो ये फॉर्मूला बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस, ये इधर आएगा तो ये हो गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। यहां पर हम इसको ऐसा करते हैं, ई नॉट आई नॉट बाहर ही रहने देते हैं, ये फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर इसे ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ऊपर ये वाली टर्म क्या बन जाएगी बताओ जन? साइन टू ओमेगा टी बन जाएगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन टू ओमेगा टी का फॉर्मूला लिख दिया। इससे क्या फायदा हुआ अभी देखते हैं, ये अपॉन टू हो गया, ये एक इंस्टेंटेनियस पार का फॉर्मूला आ गया कि उस सर्किट में जैसे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इतना है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट इतना है, तो इंस्टेंटेनियस पार क्या होगी। लेकिन हम यहाँ जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस पार की नहीं, एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज पार का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, एवरेज, वो भी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ओवर वन कंप्लीट साइकिल की पहले मुझे ईएमएफ की वैल्यू बताओ कितनी होती है। अगर ये ईएमएफ की साइकिल इस तरीके से बनाते हैं, मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूं, तो बताओ एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज ईएमएफ कितना होगा?
जीरो होगा, कैसे बता पाई बिना डेरिवेशन के डायरेक्ट, कैसे कह पा रहे हो? जितना प्लस है उतना माइनस है, एवरेज कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी जीरो होगी। ठीक है, चाहे ये हम साइन की वैल्यू साइन से डिनोट करें, चाहे कॉस से डिनोट करें। अगर हम कॉस से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था जैसे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो साइन की वैल्यू कहां से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है, तो जीरो से बनाते हैं ऐसे। और अगर हम ई को ई नॉट कॉस ओमेगा टी से डिनोट कर रहे हैं, कॉस ओमेगा टी से, तो कॉस की साइकिल जीरो पे कितनी होती है वैल्यू? वन, वन से स्टार्ट होती है, तो उसकी साइकिल ऐसे होती है। चाहे साइकिल ऐसे बनाओ, चाहे कॉस से डिनोट करके ऐसे बनाओ, इसमें भी अगर देखा जाए तो जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, जितना प्लस उतना माइनस, तो इसमें भी एवरेज वैल्यू ईएमएफ की भी और करंट की भी जीरो होगी। लेकिन एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट तो जीरो होगी वन कंप्लीट साइकिल के लिए, लेकिन एवरेज वैल्यू ऑफ पार क्या होगी? क्या वो भी जीरो होगी? नहीं, वो जीरो नहीं होगी। क्या मुझे बता सकते हैं वो जीरो क्यों नहीं होगी? ईएमएफ तो दे ही रहे हैं, चाहे पॉजिटिव में दें चाहे नेगेटिव में, तो ऐसे तो वो भी नहीं होना चाहिए, इसलिए जीरो नहीं होगी। मैथमेटिकली आप बोलते हैं सर पावर का फॉर्मूला जो होता है, सर देखिए आई स्क्वायर आर होता है। अब I का क्योंकि स्क्वायर है, अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट जितना प्लस में है उतना माइनस में है, जिसकी वजह से I का एवरेज करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन पार के फॉर्मूले में I स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर में क्या होगा? जो प्लस है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल तो नहीं होगा ना, तो जीरो नहीं हो सकता। क्या होगा वो हम निकालने जा रहे हैं, उसका फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। ऐसी मैंने चीज वहां पे भी करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब हम ग्राफ बना रहे थे। फिलहाल तो एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल निकालनी है, ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो कैसे निकालेंगे वन कंप्लीट साइकिल के लिए? देखो प्यारे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वन कंप्लीट साइकिल हो या आधी साइकिल हो, ई नॉट और आई नॉट तो कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। चेंज होती है वो वैल्यूज जहां जहां टाइम आ रहा है। देखिए साइन में यहाँ टी आ रहा है, तो टी जैसे जैसे चेंज होगा साइन की वैल्यू चेंज होगी। कॉस फाई चेंज नहीं होगा क्योंकि फाई क्या है? फाई फाई क्या है? फाई है क्या चीज है? फाई फाई है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट रहता है ना। बताओ अगर ऑल्टरनेटिंग करंट किसी रजिस्टर में फ्लो करा रहे हैं तो फेज डिफरेंस कितना होता है, और इंडक्टर में फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई बाई टू प्लस या माइनस? वहां माइनस पाई बाई टू आया था ना, माइनस आया था, आई में माइनस आया था, या साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया था, तो वहां पे माइनस पाई बाई टू होता है, करंट पीछे होता है, जबकि कैपेसिटर में प्लस पाई बाई टू। तो फेज डिफरेंस जो भी है, मान ले माइनस पाई बाई टू है चाहे प्लस पाई बाई टू है, साइकिल चलती रहेगी, कितनी भी आगे चली जाए साइकिल, फेज डिफरेंस तो हमेशा पाई बाई टू ही रहेगा ना। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट क्वांटिटी है, चेंज होगी तो साइन ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा, ये जरा बताना, साइन का अगर एक एवरेज वैल्यू ले वन कंप्लीट साइकिल, तो साइन की एवरेज वैल्यू कितनी होती है वन कंप्लीट साइकिल के लिए? बताइए साइन की एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि जितना प्लस में होता है उतना माइनस। कॉस की भी एवरेज वैल्यू जीरो होती है, लेकिन साइन स्क्वायर की तो जीरो नहीं होगी ना। स्क्वायर करेंगे तो प्लस और माइनस वाला भी तो ऊपर चला जाएगा ना स्क्वायर करने से। तो यहाँ एक, यहाँ पे साइन स्क्वायर आ रहा है एक कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर वन कंप्लीट साइकिल। पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, प्लस 1 या माइनस 1। लेकिन साइन की एवरेज वैल्यू कितनी होती है वन कंप्लीट साइकिल के लिए? 0। लेकिन साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है वन कंप्लीट साइकिल के लिए? वो मैंने यहाँ लिखी है 1/2। ये कहाँ से आई, ये अभी मैं निकाल के दिखा दूंगा, हालांकि ऑलरेडी निकाल के दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दूंगा। लेकिन अभी मान लें कि डायरेक्ट साइन स्क्वायर की वैल्यू वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। और बताओ साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी? साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू बताओ। हैं, कौन बोल रहा है? हाँ,
जीरो, वन, जीरो कैसे कह रही है? एवरेज जीरो होगी बेटा। यहाँ पे साइन के बाद चाहे मैं टू ओमेगा टी लिख दूँ, थ्री ओमेगा टी लिख दूँ, साइन थीटा लिख दूँ, साइन फाई लिख दूँ, कोई भी साइन की वैल्यू लिख दूँ, एंगल कुछ भी हो, लिखा तो साइन है ना। साइन की ये कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है? हैं? जीरो होती है ना। तो चाहे टू लिखाओ चाहे कुछ लिखाओ, इसके जीरो लिख दिए। यहाँ जीरो नहीं लिखा है, यहाँ साइन टू नहीं लिखा है, साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर की ये, साइन टू ओमेगा टी की ये, अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ लगा दूं तो ये बन गया आपका ई नॉट आई नॉट। इसकी वैल्यू लिख दूं मैं 1/2 कॉस फाई, और ये पूरा हो जाएगा जीरो, इसके जीरो होने से। तो फॉर्मूला हो गया ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन टू। अपॉन टू को अगर ऐसे लिख दूं तो किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है? काय को लिखा है ऐसे बताइए, विष्णु ऐसे क्यों लिखा है? हैं? और कोई बताइए। ये ई आर एम एस का फॉर्मूला होता है, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू। तो इसे हम लिख सकते हैं ई आर एम एस, ई आर एम एस, इसे लिख सकते हैं आई आर एम एस, और ये कॉस फाई। ये आपका एवरेज पार का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे स्पेशली जो कॉस फाई आ रहा है, कॉस फाई का एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसे हम कहते हैं पार फैक्टर। पार फैक्टर 2021 के सिलेबस से पार फैक्टर की डिटेलिंग आपके सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो इसमें बताऊंगा ही कि इससे रिलेशन क्या है, इसे क्या क्या निकाल सकते हैं। एक मिनट, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है, ये मैंने डिराइव कराया था, बताओ कहाँ? याद है जब हम आरएमएस करंट का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आया था? भूल गए? आरएमएस का फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था तो आरएमएस का फॉर्मूला पढ़ने के लिए हमने कहा था हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी, हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी आई थी आई स्क्वायर आरटी, इसमें आरएमएस लिखा था, और हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी में पहले स्मॉल हीट निकाली थी, स्मॉल हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर डी टी था, फिर इसे इंटीग्रेट इंटीग्रेट करा था, तो हमने आई आर एम एस का फॉर्मूला निकाला था। अगर इसकी डेरिवेशन आप देखोगे तो यहाँ पे आई की जगह हमने डाला था आई साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी आर डी टी, इसमें आर आर तो कट गया था, वगैरह वगैरह शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ आई का स्क्वायर होने से आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर आया था, जिसमें आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया था, अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचा था, जैसे हमने 1-cos2 ओमेगा टी लिखा था, फिर एलसीएम एलसीएम कुछ अलग अलग किया था। वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि इसकी जो वैल्यू है वो t/2 आई थी, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए t/2। अगर हम डायरेक्ट लिखें तो फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1/2। यहाँ इसकी डेरिवेशन कहाँ से आई इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैथ्स वाले एक बार करके जरूर देख लेना कि कैसे आए, ठीक है। तो ये लिख लो पूरा, ये इंपॉर्टेंट है इसकी डेरिवेशन। बिल्कुल शिवांगी ठीक कह रही है, शिवांगी गुड इवनिंग, अन्विता अजमल कुछ तो समझ में आ नहीं रहा होगा आपको अभी। गुड इवनिंग अंशिका, ठीक
ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, अभी पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं थोड़ी। पावर फैक्टर का फॉर्मूला कॉस वाई, कहीं आपसे एमसीक्यूज में कंपटीशन में पूछ लिया जाए कि पावर फैक्टर क्या चीज होती है, तो सिंपली कॉस वाई, जो भी आई और ई के बीच फेज डिफरेंस है उसको हम कॉस वाई या पावर फैक्टर कहते हैं। अब स्पेशली स्पेशली हमें पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी है कि अगर एसी जिसमें फ्लो करा रहे हैं अगर सिर्फ वहां पे रेजिस्टर लगाए उस केस में पावर फैक्टर कितना होगा, सिर्फ इंडक्टर में, सिर्फ कैपेसिटर में, और एलसीआर सीरीज सर्किट है तो उसमें कॉस वाई का क्या फॉर्मूला होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पावर फैक्टर में, कॉस वाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं। जरा बताओ अगर एसी थ्रू आर ओनली करें, आर ओनली, तो जरा बताना फाई कितना होता है, पार सिर्फ आर में फ्लो कराएं तो फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस जीरो होने से कॉस फाई कितना हो जाएगा, कितना कॉस फाई हो जाए 91, विच इंप्लाइज दैट एवरेज पार का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ई आर एम एस, आई आर एम एस, और कॉस फाई की जगह हम लिख देंगे 1, ठीक है। ऐसे ही बताओ अगर AC through L ओनली करें, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप पूरा लिख लेना, तो फाई कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है इंडक्टर में, कौन लीड द है, EMF, फेज डिफरेंस फाई होता है, फाई 90 डिग्री होता है, डिग्री में 90 या रेडियन में पाई बाई 2 रेडियन लिख लो, कुछ भी कर लो, विच इंप्लाइज दैट साइन नहीं cos phi, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, जिसकी वजह से एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, फॉर्मूले में अगर डालो ERMS IRMS cos phi 0 होने से एवरेज पावर 0 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, इंडक्टर के लिए एवरेज पावर 0 होती है। तीसरी बात अगर हम बात करें एसी थ्रू कैपेसिटर ओनली, तो उस केस में भी फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई 2, और इस केस में भी एवरेज पावर कॉस फाई आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा आपका कितना 0, और एवरेज पावर आ जाएगी 0। लेकिन अगर हम बात करें एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए फेज पावर फैक्टर कितना होगा वो कैसे निकालें, LCR सीरीज सर्किट के लिए पावर फैक्टर कैसे निकालें, कोई बता सकता है cos phi कैसे निकालेंगे, उसके लिए pi by 2 तो नहीं होता है, बीच की कोई भी वैल्यू होगी, कितना भी हो सकता है, पावर फैक्टर cos phi कैसे निकालें, cos phi निकालने के लिए phi निकालना पड़ेगा, हिंट दे रहा हूँ, cos phi के लिए phi निकालना पड़ेगा, phi आप लोग बताओ कि phi निकालने का कोई तरीका है आपके पास, tan phi, बोले सर phi आपने सिर्फ अभी तक एक ही फॉर्मूले में हमें बताया है आज से पहले, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे tan phi का, tan phi से phi निकालेंगे और phi का फॉर्मूला यहां डालेंगे और cos phi निकालेंगे, cos phi मतलब पावर फैक्टर। tan phi का क्या फॉर्मूला था याद है, देख के बताओ, xl माइनस xc अपॉन r, या फिर vl माइनस vc अपॉन r, वोल्टेज की टर्म्स में लिखोगे तो तीनों टर्म्स में v आएगा, VL माइनस VC अपॉन VR, X की टर्म्स मतलब रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखोगे तो XL माइनस XC अपॉन R। यहाँ पर आप tan phi से cos phi कैसे निकालोगे बताओ जरा, tan phi का तो फॉर्मूला पता है, अब cos phi कैसे निकालोगे, है क्या कौन बोल रहा है, परपेंडिकुलर, हाँ ओके, आप क्या कह रहे हैं, tan इनवर्स अगर फाई को ले जाओगे तो tan इनवर्स फिर cos थीटा में कहोगे cos phi is equal to cos tan इनवर्स, ऐसे sin phi by cos phi, sin कहां से आएगा, आप सही कह रहे हैं, बोले कि सर tan phi ऐसे करेंगे, एक सिंपल सा तरीका, ये ट्रिक है, ट्रिक है cos phi निकालने की, बोले सर एक ट्राइंगल लो, इसमें ये phi मान लो, tan phi का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होती है हाइपोटेन्यूज,
तो टेन फाई का फॉर्मूला चूंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इस चीज को आप परपेंडिकुलर मान सकते हो, और इस चीज को अगर बेस मान लो तो परपेंडिकुलर साइड हो गई आपकी एक्सएल माइनस एक्ससी और बेस हो गया आपका आर, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी आपकी एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। अब कुछ भी निकाल लो, साइन कॉस कुछ भी निकाल लो, बिल्कुल सही। अब अगर आपको कॉस पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर का मतलब है आपको क्या निकालना है, पावर फैक्टर का मतलब आपको निकालना है कॉस फाई, और कॉस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका बेस कौन है? आर, और हाइपोटेन्यूज पे क्या है? एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो है। अरे ये किसका फॉर्मूला है? जेड का फॉर्मूला है, तो आप कॉस फाई का फॉर्मूला आर अपॉन जेड याद कर सकते हो एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए, ठीक है। एक बात और, जैसे z का फॉर्मूला xl माइनस xc अपॉन r प्लस r स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये किसके लिए? LCR सीरीज सर्किट के लिए। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें LR सर्किट है, C है ही नहीं, कैपेसिटर हटा दिया है, उसमें L और R लगा है, तो उसके इंपेडेंस का क्या फॉर्मूला लिखोगे? बोलो, एल स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब सी वाला कंपोनेंट हटा दोगे, और अगर वो सी आर सर्किट है तो एक्सएल हटा दोगे, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा बहुत सारे अभी, जिसमें एल सी आर लगा होगा, कभी एल आर लगा होगा, कभी सी आर लगा होगा, सिर्फ आर लगा होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिख लो, पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई परेशानी? ये इस चैप्टर के नोट्स हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक इसके बाद टॉपिक है वॉटलेस करंट, वो भी सिलेबस से हट चुका है, वो भी सिलेबस से हट चुका है, 2 3 4 5 ठीक है, वो करना चाहोगे? नहीं छोड़ो फिर, वॉटलेस करंट क्या होता है छोड़िए, बात आई नेक्स्ट। एक क्वालिटी फैक्टर टर्म है, वो चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपका जो इसमें बचा है वो है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर नेक्स्ट सेशन पे होगा, पूरा एक लंबा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताने की हैं, और उसके बाद बताऊंगा एसी और डीसी में डिफरेंस, और एसी और डीसी में से कौन एडवांटेजियस है कौन नहीं, और एक टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। चलिए लेट्स सी, फिलहाल कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से दो टॉपिक, दो मेन टॉपिक्स थे उसमें, एक कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट और दूसरा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर यूजेस एंड प्रॉपर्टीज, यानी 50% 50%। पहला पार्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट वो पूरा हट गया है, और जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही इजी है, जो ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़े हो थोड़ा बहुत, बाकी मैं पढ़ा दूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन है आपका
क्लास असाइनमेंट निकालो, पेज नंबर 54, क्लास असाइनमेंट पेज नंबर 54, पेज नंबर 54। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, वैल्यूज में लिख रहा हूँ, आप अपने आप करिए, मैं अपने आप कर रहा हूँ, हटा दूँ इसे। क्वेश्चन 11 है, अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1/, कहाँ गया, हाँ 1/π। कह रहे हैं अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1/π माइक्रोफैरेड, ठीक है, फाइंड इट्स रिएक्टेंस। जरा बताना रिएक्टेंस किससे डिनोट करेंगे, एक्स ही, कैपेसिटर का रिएक्टेंस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ये किससे डिनोट करेंगे, न्यू से कर लो चाहे एफ से कर लो, पहला पार्ट ये है, और दूसरे पार्ट में फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10^6 हर्ट्ज, दोनों के लिए अलग अलग निकालना है। पहले तो ये काम करो, माइक्रो को चेंज करके फैरेड में करो, इंटू 10^-6 करके, और एक्सी का पहले पार्ट में फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है एक्सी का फॉर्मूला, ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, 2π न्यू, यानी 2π fc, यहाँ वैल्यूज डाल दो निकल आएगा, वैल्यूज डाल के जल्दी से काट पीटने का काम है, करो। बिना देखे आंसर बताइए अपना, आपका क्या आ रहा है, लेट्स सी, 1/2 × π, और f हो गया 1/π × 10^-6, और ये क्या लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 50, और कैपेसिटेंस है 1/π × 10^-6, पाई से पाई कट गया, 10^4 आएगा, 50 × 2 = 100, और 100 यानी 10^2, 10^2 और 10^-6 मिलके हो गई 10^-4, जो ऊपर जाके हो जाएगी 10^4, यूनिट क्या होगी, ओम। सेकंड पार्ट जल्दी से करो फिर, ये क्या कर रहे हैं, रुक जाओ, ठीक है सही है, ओके, फ्रीक्वेंसी है 10^6, 50 की जगह 10^6 डाल दोगे, पाई से पाई कट जाएगा, 10^6 × 10^-6 कट जाएगा, 1/2 बचेगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 ओम, ठीक है, कोई परेशानी, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या है, देखिए 12th क्वेश्चन में कह रहे हैं, when an inductor L and a resistor R in series connected to 12 volt supply, 50 hertz supply, ये बताओ, 50 hertz तो आप frequency F लिख सकते हो, 12 volt क्या चीज हुई, वोल्टेज हुआ, कौन सा वोल्टेज, वोल्टेज तो तीन होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस होता है, एक पीक वोल्टेज होता है E नॉट, एक RMS वोल्टेज होता है ERMS, और एक एवरेज वोल्टेज होता है, ये कौन सा हुआ, देखो ये आपको हमेशा के लिए बता रहा हूँ, अगर वहां पे साफ साफ लिख के आ रहा है कि पीक वोल्टेज इज 12 वोल्ट तो आप सीधे से E नॉट लिख दोगे, वहां पे लिख के आ रहा है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज 12 वोल्ट तो E इज इक्वल टू 12 वोल्ट लिखोगे, लेकिन वहां लिखा है RMS वोल्टेज या वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 12 वोल्ट तो ERMS इज इक्वल टू 12 लिखोगे, लेकिन कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया वोल्टेज इज 12 वोल्ट, तब कौन सा वोल्टेज होगा, तब हमेशा होगा RMS। इस समय कितना वोल्टेज आता है घर में, वो कौन सा वोल्टेज होता है, 220 RMS, तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो RMS ही होता है, तो ये ERMS लिख दो, ERMS इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, ये कौन सा करंट हुआ, I, I0, IRMS या I average? IRMS. है?
कुछ नहीं लिखा कौन सा करंट है, तो कौन सा ही हुआ, आई आर एम एस करंट ही होगा ये। ठीक है, चलिए फिर कह रहे हैं द करंट डिफर्स इन फेज फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज बाई पाई बाई थ्री रेडियन। ये क्या चीज हो गई, फाइव फेज डिफरेंस हो गया करंट और ईएमएफ में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। अब ये ऐसा जो क्वेश्चन आ गया है तो आप देखोगे कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं, उस पर नजर दौड़ाइए और उससे क्या निकाल सकते हैं वो दौड़ाइए। बताइए आपके आंखों में सबसे पहले कौन सी बातें नोटिस हो, कौन सी वैल्यूज नोटिस हो रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, फाइव दे रखा है, फाइव से हम टेन फाइव निकाल सकते हैं। इनके दिमाग में टेन फाइव निकालने का आया, बहुत बढ़िया, चलो निकाल देते हैं। यानी टेन पाई बाई थ्री यानी टेन सिक्सटी कितना होता है, कितना होता है, ठीक है। और जो वैल्यूज हैं, चलो इसे छोड़ो, और वैल्यूज दे रखी हैं उससे भी कुछ निकाल सकते हैं। जैसे इससे आपने टेन फाइव निकाल दिया, टेन फाइव का फॉर्मूला भी तो लगाओ, निकालने से क्या हुआ। टेन फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन ये तो एलआर सर्किट है, सी तो हाई नहीं, तो इसे हटा दें, इसे हटा दो, टेन फाइव डाल दीजिए, रूट थ्री, एक्सएल पता नहीं, आर पता नहीं, तो एक्सएल इज इक्वल टू रूट थ्री आर। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, देखेंगे शायद काम में आ जाए। बताओ इससे और इससे क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज और करंट से। रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस निकालना चाहती हो, ओवरऑल, क्योंकि एलआर सर्किट है तो एलआर सर्किट का मिला के रेजिस्टेंस आएगा, और एलआर सर्किट के मिला के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जेड, यानी इंपीडेंस। तो आप इससे इंपीडेंस निकाल सकते हो, इंपीडेंस। नॉर्मली रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन करंट, यही तो होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस का होता है वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज क्योंकि आरएमएस वाला दे रखा है तो ऊपर आरएमएस डाल दो, करंट भी आरएमएस वाला ही डालोगे, फिर ऊपर आरएमएस लिख रहे हो, तो लो आरएमएस है 12 और करंट है 0.5, तो ये आपका आ गया 24 ओम, जेड आ गया। अब आपके पास ये दो चीजें हैं और कुछ तो बचा नहीं, अब बताओ इनसे कुछ कर सकते हो आपस में। है बेटा कैसे, इम्पीडेंस का फॉर्मूला कह रहे हैं, Z दे रखा है, Z 24 है, इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला होता है, XC है नहीं तो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा, लो हो गया, XL की जगह यहाँ डाल दो, हाँ रूट थ्री एल का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 24, इससे R पूछा था वो आ जाएगा। ठीक है, निकालिए R। ठीक है नैना, श्यामल, ओके, ठीक है नैना, बिल्कुल सही, गीता मतलब शिवानगी, ठीक है, ओके, निकालिए जल्दी से नैना इसका आंसर। रूट 579, रूट 579 तो नहीं आना चाहिए, और बताइए क्या आ रहा है, 12 आ जाएगा, बिल्कुल सही। रूट थ्री एल का, रूट थ्री आर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 3R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो गया आपका 4R स्क्वायर, का अंडर रूट हो गया 2R इज इक्वल टू 24, R इज इक्वल टू 12 यूनिट ओम, सिंपल। ऑल्सो फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, यानी L भी निकालना है आपको, बताइए कैसे निकालेंगे। बिल्कुल निकालिए, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर यानी L भी निकालना है।
कैसे निकालेंगे? आ रहा है किसी का? विष्णु, व्योमेश, राजश्री, बता। अच्छा, आयुष के अलावा कोई बताना चाहता है कि कैसे निकालेंगे, क्या कर रहे हैं एल निकालने के लिए आप लोग? कहाँ? एक्सेल। हाँ, फिर एक्सेल कहाँ से आएगा? ठीक है, ये दे रखा है एक्सेल इज इक्वल टू दिस, यहीं पे एक्सेल का फॉर्मूला डाल दो बस। एक्सेल का होता है ओमेगा एल, ओमेगा का मतलब 2πf, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ओमेगा की जगह 2πf, और आपके पास आर भी है, एफ है आपका 50, पाई की वैल्यू 22/7, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, और आर कितना है, कैलकुलेट शैलकुलेट करके एल निकाल लेना, ठीक है, घर पे कर लेना। कंसेप्ट बता दिया कैसे करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, क्या क्वेश्चन है, मैं यहाँ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा, जिनके पास असाइनमेंट है वो उससे देख के करिए। द एसी सर्किट हैज अ चोक एल, चोक व्हाट इज दिस, ये क्या चीज होती है? अरे लिखा तो है, क्या चीज होती है, क्या लिखा है? इंडक्टर। चोक कॉइल इज अ टाइप ऑफ इंडक्टर। आपने नहीं देखा पहले रॉड रॉड आती थी तो उसमें वो गोल गोल चोक लगती थी, चोक कॉइल खराब हो जाती थी, सिलेंडर जैसी, देखा है नहीं देखा है ना, वो चोक जो होती है इट इज अ टाइप ऑफ इंडक्टर, उसके आगे तभी एल लिखा है, ठीक है। बुक में चोक की फंक्शनिंग वर्किंग दे रखी है, लेकिन अगेन दैट इज नॉट इन सिलेबस, तो अभी के लिए सिर्फ इतना मान लो कि चोक इज अ टाइप ऑफ इंडक्टर, जो जिसमें एनर्जी का लॉस बिल्कुल मिनिमम होता है। फिलहाल इंडक्टर है, रजिस्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, एक इंडक्टर है एक रजिस्टर है, एसी उसमें पास करा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर यानी वी आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर वी आर दे रखा है 160 वोल्ट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस चोक यानी वी एल दे रखा है आपको 120। फाइंड द वर्चुअल वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, क्या पूछा है? टोटल वोल्टेज कितना होगा, वी आर एम एस कह लो चाहे ई आर एम एस कह लो, चलो यहाँ पे हम वी आर एम एस लिख दे रहे हैं, दोनों से डिनोट करते हैं, कभी वी कभी ई, दोनों की ही आदत पड़ जाए। बताओ अगर यहाँ डीसी होता तो बताओ वोल्टेज कितना अप्लाइड होता, सीरीज में ऐड हो जाता है, V1 प्लस V2 सिंपली आप लिख देते 280, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता। अगर एक में एसी में ऐसा नहीं होता, अगर एल सी आर सर्किट है और उसमें एसी लगाएं, इसके अक्रॉस वीएल है, इसके अक्रॉस वीसी है, इसके अक्रॉस वीआर है, तो क्या नेट वोल्टेज वीएल प्लस वीसी प्लस वीआर होता है? नेट वोल्टेज वी, पहले तो नेट वोल्टेज वी आर एम एस से डिनोट करेंगे, सिर्फ वी से नहीं करेंगे, जो भी होगा वी आर एम एस वो बताइए कितना होगा, ये तो फॉर्मूला नहीं होगा, तो क्या फॉर्मूला होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। सर करंट ले लीजिए ना आई आर एम एस और रेजिस्टेंस ले लीजिए ना जेड पूरे सर्किट का, ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकलवाया, लिखा है आप लोगों ने, और मैंने वहां बोला भी था नेट वोल्टेज नहीं बोला था, तो आप बताओ क्या होगा, देख के बता दे रहा हूं। चलो एलसीआर सीरीज सर्किट में निकलवाया है, एलसीआर सीरीज सर्किट में नेट वोल्टेज का फॉर्मूला, नहीं है दिखाना जरा, अगर डायरेक्ट नहीं है तो एक मिनट,
हाँ लिखा लिखा है, लिखा है। हाँ भूल गए, e इज इक्वल टू अंडर रूट वी एल। देखो अब एक जगह ढूंढो, वी एल माइनस वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर ये लिखाया है, फिर v की जगह आई आर आई एक्स सी आई एक्स एल और i कॉमन लेके इसके नीचे आ गए हैं तो उसे z मान लिया है, मिला। यही तो है नेट वोल्टेज का फॉर्मूला, बजाय वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री के ये करेंगे। वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री तब करते, बोले सर यहाँ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो करते आ रहे थे डीसी सर्किट में, तो यहाँ ऐसा क्या हो गया है। ठीक है सर, याद रखने के लिए आपने कहा एसी होगा तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे प्यारे, अगर हम डीसी लगाते हैं, डीसी में कांस्टेंट करंट जाता है, एक सा ही करंट जाता है, तो एक सा जितना करंट यहाँ उतना करंट यहाँ, जितना मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर एल आर सर्किट में एसी पास करा रहे हैं तो वोल्टेजेस और करंट में डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस आ जाने का मतलब ये है कहने का, चलो मान लें कि यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है 5, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है 4, ठीक है। डीसी अगर लगा हुआ है, डीसी अगर लगा हुआ है तो डीसी में क्या होगा कि अगर यहाँ वोल्टेज 5 यहाँ 4 है तो टोटल वोल्टेज 9 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ का मैक्सिमम होगा तभी यहाँ का मैक्सिमम होगा, जब यहाँ का लो होगा तभी यहाँ का लो होगा। हालांकि डीसी में मैक्सिमम और लो की तो बात ही नहीं होती है, लेकिन जो भी होती है कांस्टेंट है तो हम निकाल लेंगे प्लस करके। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज और करंट कम ज्यादा होते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। मान लें कि इसके मैक्सिमम वोल्टेज है 5, इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 4, इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 3। अगर जिस समय इसका मैक्सिमम है उसी समय इसका मैक्सिमम है उसी समय इसका मैक्सिमम है तो नेट वोल्टेज हो जाता 5 प्लस 4 प्लस 3, 9 प्लस 3 12 वोल्ट। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है, फेज डिफरेंस होता है। जब इसका मैक्सिमम हुआ है तो जरूरी तो नहीं है ना इसका भी उसी समय मैक्सिमम हुआ हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फेज डिफरेंस होता है आगे पीछे, जब एक का मैक्सिमम है जब जरूरी नहीं कि दूसरे का भी मैक्सिमम हो, आगे पीछे होते हैं उसमें फेज डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री नहीं कर सकते। क्या करेंगे, वी वन माइनस वी टू प्लस वी टू इस तरीके स्क्वायर करके ऐसे फॉर्मूला निकाले। ओके है कि नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं? फेज डिफरेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा फिलहाल। तो सिंपल है, यहाँ एल आर है, वी एल वी आर है, सी नहीं है तो सी हटा दो, और वी एल आपको दे रखा है 120 का स्क्वायर और ये 160 का स्क्वायर, और इसे निकाल 200। बिल्कुल सही, ठीक है। एक सेकेंड पार्ट है, इफ द वर्चुअल करंट इन द सर्किट, वर्चुअल का मतलब आरएमएस करंट होता है, वर्चुअल करंट इन द सर्किट यानी आरएमएस इज 1 एम्पियर, कैलकुलेट द टोटल इंपेडेंस। कैसे निकालोगे, वी आर एम एस है आई आर एम एस है, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन करंट। अगर आर एम एस वोल्टेज है तो करंट भी आर एम एस वाला ही लेंगे, वी आर एम एस 200 और करंट आया दे रखा है 1, तो कितना हो गया 200। यूनिट क्या होएगी, क्या कह रहे हो, कौन बोल रहा है, एक तो पता ही नहीं चल रहा कौन सर सर कर रहा है। हाँ क्या 200, हाँ ओम, ठीक है। चलो कल 4-5 क्वेश्चंस और हैं वो कराऊंगा परसों, और ट्रांसफार्मर का पूरा टॉपिक कराएंगे, और आज का काम है आपका होम असाइनमेंट, दिख रही है आपको पेज 56 पे 57 पे, ये होम असाइनमेंट आज आप पूरी करेंगे, ठीक है। आखिरी में एमसीक्यूज भी दे रखे हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनके व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे, अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर लिंक दे देंगे, आप उसे क्लिक करके डाउनलोड करके अपना सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे फिर। किसी को कुछ पूछना है? ओके
ओके नैना, बाय बाय।